आवश्यकता इस बात की है अपने जीवन में एक मोड़ लाए आप कि जिराने में आप किस प्रकार प्रवेश करें, जिराने में प्रवेश करने की विधि भी है शास्त्र, उस विधि के अनुरूप आप इस मंडप को जिराने समझे, आपके हृदय में ये भावना जागृत हो कि हम मंडप में नहीं जा रहे हैं, हम जिराने में प्रवेश कर रहे हैं। और जब जिराने में प्रवेश करने की भावना आपके मन में जागृत हुई है, सुदूरवर्ती स्थानों से भी चल करके लोग आए हैं और सत्य नगर के नागरिक भी यहाँ पर विद्यमान, आप सबको यह बात साथ में लेकर के रानी है कि हम पंचकरण परिश्रम महोत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं और पंचकरण परिश्रम महोत्सव भगवान का हो रहा है। ये मंडप शादी का मंडप नहीं, विवाह का मंडप नहीं, ये मंडप इस मंडप की शुद्धि करके मंत्र शुद्धि के द्वारा मंत्रित जल से मंडप की शुद्धि की गई है और ये मंडप अब जिनाने का रूप हो चुका है। इसलिए जिनाने को हम किस प्रकार उसकी वंशता बनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं, उसी प्रकार इस मंडप को भी आप पवित्र पावन बनाएं। ऐसे कोई कार्य इस मंडप के भीतर न हो जो इसकी पवित्रता को बनाए रखने में समर्थ नहीं हो पाए। बंधुओं, सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि अभी आपने सुना पंडित जी से, सब कुछ व्यवस्थाएं की है, समिति ने सारी व्यवस्थाएं बनाई है। समिति जिस बात को भली प्रकार जानती है कि यहाँ आने वाले लोगों को किस बात की आवश्यकता होती है, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है वो बात तो अलग है, लेकिन मनोरंजन के लिए या अपने धन का व्यय करने के लिए कुछ दुकानें भी सामने लगी हुई है जहाँ से आप क्या खरीद करके ले जाएंगे, वहां से खरीद करके ये वस्तु इन वस्तुओं को लेकर के जाना कि वे आप घर जाए तो आपके धर्म कार्य में समा कार्य में काम आते रहे। हमें बहुत अच्छी तरह से स्मृति है, हम बहुत छोटे थे और सुदूरवर्ती स्थान पर पंचकरण परिश्रम महोत्सव था, बहुत मुश्किल से कठिनता से पंचकरण होते थे, हमारी माँ ने भी उस पंचकरण परिश्रम महोत्सव में जाने का मन बनाया और मन बना करके जब वो गई तो वहां से आमोद प्रमोद की वस्तु लेकर के नहीं आई। दिनवाणी के रूप में एक शास्त्र खरीद करके आई थी वहां से और उस शास्त्र के माध्यम से स्वयं उसने भी पढ़ा और हमको भी पढ़ाने का प्रेरणा दी। उस प्रेरणा के माध्यम से हम भी शास्त्र को पढ़ते रहे और फिर आगे चल करके इस रूप में हम आपके सामने हैं। ये बात तो अलग है किंतु आप सबको भी ऐसी ही भावनाएं करनी है, अपने बालकों को अपनी नई पीढ़ी को संस्कारित करने का मानस बना करके आप स्वयं भी यहाँ से ऐसे संस्कार लेकर के जाए तो भाई भगवान की प्रतिष्ठा तो ऐसी होती है। कोई मेला नहीं है कि मेले में जैसे भीड़ होती है ऐसी भीड़ हो जाए और मेला संपन्न हो गया, ऐसी बात नहीं होगी। हम तो
ये पंचकारण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सम्मिलित हो रहे हैं, तो अपने मन को इस बात के लिए तैयार कीजिए कि हम भगवान के संस्कार तो होंगे, उनको देख रहे हैं, पर भगवान के संस्कार के साथ साथ हमें अपने आप के संस्कार भी करने हैं। भगवान तो है, 5 दिन में भगवान को प्रतिमा भगवान बन जाएगी, जनाल में विराजमान हो जाएगी, किंतु अपना जीवन तो लंबा है, हमको इस जीवन में क्या क्या करना है, कौन से ऐसे धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं जिनके माध्यम से हम आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग बना सके। और अमर प्रमोद में तो जीवन सारा बीत रहा है, लेकिन वो अमर प्रमोद हमारे जीवन को परमात्म पद की ओर अग्रसर कर सके, ऐसी मंगल भावना रखते हुए इस पंचकारण प्रतिष्ठा महोत्सव को आप आनंद संपन्न करेंगे, देखेंगे और संस्कारों को लेकर के अपने साथ जाएंगे, ऐसी मंगल भावना प्रतिष्ठाचार्य महोदय आपके सुपरिचित हैं और मंत्रों के न्यास के माध्यम से भगवान में भगवान के गुणों को भगवान प्रतिमा को भगवान नहीं बना रहे, उनमें उनके गुणों को आरोपण करके उनमें भगवत्ता प्रकट करेंगे और उस भगवत्ता के माध्यम से वे भगवान और सबके लिए पूज्य होंगे। आप उनकी आराधना अर्चना करेंगे और उस अर्चना के माध्यम से, क्योंकि जो भगवान की पूजा करता है भाव भक्ति से करता है, सम्य दर्शन पूर्वक करता है, तो एक दिन वो स्वयं भी पूज्यता को प्राप्त होता है। आप सभी पूज्यता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जीवन में कर सके, इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जब आदिनाथ भगवान की